गाइस फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिस वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, क्लास ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान का हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक एक ही वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कल यही एग्जैक्ट पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, सो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। ये पूरा वायरल हो चुका है पेपर, आप सभी देखेंगे, सभी टेलीग्राम ग्रुप पे डला हुआ है। तो संपूर्ण पेपर का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाएं। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको साथ साथ में लिखते जाना है, जिससे कि आपको 70 में से 70 मार्क्स मिल जाएंगे। एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आप अच्छे से रिविजन करेंगे। तो समय आपका 3 घंटे का रहेगा, कुछ दिशा निर्देश ये दिए गए हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सही विकल्प चुन करके हमें लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक नंबर के साथ सही विकल्प यहाँ पे रहने वाले हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होगा, फेरेट होगा, ओमीय प्रतिरोध है, तो यहाँ पे तांबे वाला यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, तांबे के तार। यहाँ पे धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्स्टेड ने, खा नंबर। इसके बाद है भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, तो भंवर धाराओं का उपयोग धारा मापी को रुद्र दोलन बनाने में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है, तो एसी डायनामो। एक समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता निर्भर करती है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लेटों की यहाँ पे आवेश में, सो यहाँ पे ऑप्शन का एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो दिखेगा ताप बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ना हम सही कर देंगे, ऑप्शन बा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपके रिक्त स्थान, पहला है आपका विद्युत विभव एक अदिश राशि है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक यहाँ पे क्या आएगा, ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से ये आपको खाली स्थान करने हैं, इसके आगे भी खाली स्थान दिए गए हैं, तो देखेंगे हम सभी खाली स्थान। यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्यरत है, तो व्हीटस्टोन सेतु के। टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होता है, तो देखिए शून्य होता है। यहाँ पे है नेक्स्ट आपका चौक कुंडली में बहने वाली धारा को खालिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पे वांटहीन धारा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संधारित, एक बात क्या एक शब्द में उत्तर देना है, जो कि एक एक अंक के साथ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। संधारित का उपयोग आपको लिखना है, तो देखिए जो भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक अंक वाले, इन सभी क्वेश्चन के आंसर में डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में मैं इन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ, तो आप देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 7 तक ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए हैं, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। फिर गाइस यहाँ पे देखिएगा आप, नेक्स्ट आपकी दी गई है सही जोड़ियाँ, जोड़ियों का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 नंबर, फिर 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, इस प्रकार से आपको यहाँ पे नंबर डाल लेंगे आप, तो आप मिलान कर लेंगे। यहाँ पे टाइम बहुत कम है और मुझे पूरा सॉल्यूशन बताना है, इसलिए थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे धारिता का मात्रक और विनिमय सूत्र हमें बताना है, ओम का नियम बताना है, तो देखिए ओम का नियम आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा अनुपात नियत होता है, इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है सदिश रूप में बायो सेवर्ट का नियम या फिर स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा आपको बतानी है, तो चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको इसका छठवीं का आंसर लिखना है। स्वप्रेरकत्व गुणांक की यहाँ पे परिभाषा दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से छठवीं का आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा आप यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, नल कुंडल धारा मापी का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के मापने में नहीं होता क्यों, यहाँ पर अथवा में है विद्युत विभव कैसी राशि है, इसका एसआई मात्रक व विमेय सूत्र आपको लिखना है, तो देख लीजिए आप चल कुंडल मापी वाला ये पूरा आंसर दिया गया है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कुछ इस प्रकार से इस आंसर को आप देखेंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 8, तो 8 हम देखेंगे विद्युत सेल किसे कहते हैं ये हमें बताना है, तो चलिए देख लेते हैं हम विद्युत सेल क्या है। देख लीजिए आप विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे क्वेश्चन, आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखना है और विमेय सूत्र देना है, ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया और विमेय सूत्र यहाँ पे नीचे दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां भी दो अंक का है आपका, तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 10वें का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर लिखेंगे, तो इसको पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 11वें का भी आंसर देख लीजिए आप। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 12 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा वाला एक क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका यहाँ पे। तो गाइस, सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। गूगल में जाकर के आप सर्च करेंगे studynotespj.com, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। नीचे आपको आना है, यहाँ पे दिखेगा आपको एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप एमपी बोर्ड पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे आप देखिए सभी जो क्लासेस हैं सभी के सॉल्यूशन डल चुके हैं। देखिए 9th, 10th, 11th, 12th। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th की पीडीएफ डाउनलोड करके, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। फिर एक ऐड आ जाएगी, इसको आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से क्लोज। फिर नीचे आना पड़ेगा, जैसे ही आप नीचे आएंगे ये पेपर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, संपूर्ण पेपर भी आपको दिखाया गया है। फिर सबसे नीचे आप जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिया गया है पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, क्लिक करें। देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिख जाएगी। देख लीजिए आप, क्लास 9th की संपूर्ण पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दी गई है। इस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दी जाती है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए आप प्रश्न क्रमांक 13 जो दिया गया है इसका अथवा तो आंसर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा, यहाँ तक ये पूरा आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे अब मैं फ्लैश बंद कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। सो गाइस, यहाँ से देखिएगा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आपको लिखना स्टार्ट करना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। यहाँ तक ही प्रश्न क्रमांक 13 रहेगा, यहाँ तक आपको लिखना है। फिर इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 भी आपका यहाँ पे 3 नंबर का है, बायोसेवर्ड नियम का गणितीय व्यंजक की व्युत्पन्न हमें करनी है। सो चलिए हम प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 14 का आंसर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बायोसेवर्ड नियम को आपको लिखना है। फिर इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बायोसेवर्ड नियम दिया गया है, इसको पूरा आपको लिखना है। यहाँ तक ये पूरा आपका बायोसेवर्ड नियम हो जाएगा, देखते जाइए आप। कुछ इस प्रकार से यहाँ तक 2 समीकरण बन जाएंगे बायोसेवर्ड नियम के। फिर यहाँ तक आपको पूरा बायोसेवर्ड नियम लिखना है, जाता है तक आपका पूरा बायोसेवर्ड नियम है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट आपका, देखिएगा प्रत्यावर्ती एसी परिपथ के लिए सिद्ध करना है हमें, या फिर हमें संधारित्र किसे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन बताना है। तो देखेंगे हम 15वां, यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती के लिए हम सिद्ध करेंगे, ये हमें सिद्ध करना था, ये दिया गया है। सो इसको हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमें करना है। देख सकते हैं आप पूरा क्वेश्चन, आप देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ तक ये पूरा आपको सॉल्व करना है। सो पूरा व्यंजक यहाँ पे व्युत्पन्न हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। इसके बाद है आपका 16वां क्वेश्चन, विभव मापी व वोल्टमीटर में अंतर, और अथवा है संट किसे कहते हैं, संट मान हेतु आवश्यक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए संट का हम देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से संट वाला एक क्वेश्चन रहेगा आपका। ये पूरा क्वेश्चन आपको देख लेना है। देखिएगा आप यहाँ पे ये 3 समीकरण यहाँ पे बनेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम कुछ इस प्रकार से संट वाला व्यंजक आपको सिद्ध कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा व्यंजक करना है सिद्ध। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपका 18वां। सो गाइस, इसके बाद है आपका 17वां क्वेश्चन, जो कि 4 अंक का आपका रहने वाला है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये 17वां क्वेश्चन दिया गया है, 100 पेर कट और अन्योन प्रेरणा में अंतर आपको लिखना है। तो चलिए 17वें का आंसर भी हम देख लेते हैं। प्रकार से 17वें का आंसर आपको लिखना है, 100 अपेरकत्व एवं अन्योन प्रेरणा में अंतर, इस प्रकार से आपको ये पूरा आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, जो कि 5 अंक का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मीटर सेतु का नामांकित चित्र आपको बनाना है, और यहाँ पे आपके लिए इसका सिद्धांत भी प्रतिपादित करना है। सो कुछ इस प्रकार से मीटर सेतु वाले क्वेश्चन दिया गया है, सूत्र स्थापना तक ये पूरा दिया गया है। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे नामांकित चित्र रहेगा मीटर सेतु का, फिर यहाँ पे प्रेक्षण तालिका और सावधानी यहाँ पे देनी है। तो इस प्रकार से मीटर सेतु वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब लास्ट है आपका 19वां क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का है। जनचित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का रेखांकित चित्र आपको बनाकर यहाँ पे समझाना है, और एक अथवा में यहाँ पे दिया गया है, और ये सब आपको समझाना है। देखिएगा यहाँ पे अथवा में जो दिया गया है, एलसी परिपथ के लिए ज्ञात करना है हमें, तो अथवा वाला हम करेंगे 19वें का। देख लीजिए आप, एलसी परिपथ के लिए हम ज्ञात करेंगे कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे आप देखेंगे एलसी परिपथ वाला यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे आगे
तो ये पूरा आपको लिखते जाना है, पूरा एलसी परिपथ वाला आपका क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो यहाँ तक ये पूरा आपका एलसी परिपथ वाला अनुनादी आवृत्ति तक यहाँ पे आपको लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका टोटल 19 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूरा पेपर आपके लिए बता दिया गया है। जो और मैंने आपको ये भी बता दिया है पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी,